एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेले मोटू निवेदन आप्यू छे, अमने राज्यमंत्रीनी ऑफर थई, राज्यमंत्रीनी ऑफरनो अस्वीकार कर्यो। आ निवेदन तेमणे आप्यू, अमे कैबिनेट मंत्री पद मांग्यू हतुं, गठबंधनमां कोई मतभेद नथी, मोदी मंत्रिमंडळमां नथी प्रफुल्ल पटेलनुं नाम। आ उपरांत अजित पवारे पण कह्युं के अमारे कैबिनेट मंत्रालय ज जोईए छे। हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं, और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को, हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुशल है, सब ठीक है, और हमको ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की आप राह देखिए, हम इसको हम दुरुस्त करेंगे, लेकिन आज के आज हमारे लिए भी ये संभव इसलिए नहीं है कि और पार्टीज के लिए भी हमने जो बात की है, निकट लगाए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में शिवसेना जो है, जिनके साथ एमपी चुनकर आए हैं, उनके साथ भी जो हम लोगों ने निकट लगाए, उसके हिसाब से आप प्लीज़ आज के आज इसको इंसिस्ट मत करिए, और कोई हमारे पक्ष में मतभेद नहीं। कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है, वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफर की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की, वो हमने नकारा।